ओके, वेलकम टू दिस वीडियो. और आज वेरी लकीली तुम लोग हमारा एक चेस्ट वर्कआउट देखोगे. नहीं, मैंने दो चेस्ट की वीडियोस डाले ना, तो मुझे हमेशा आदत है चेस्ट बोलने के लिए. ओके, एनीवेज वेलकम टू द वीडियो गाइस. आज हम लोग लेग वर्कआउट मारने वाले हैं. ऑब्वियसली अरहान विल बी जॉइनिंग अस एज वेल. मैं इंट्रो अपने घर पे नहीं दे रहा क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला. आई डिड नॉट फाइंड द टाइम एंड वी हैव कम टू द जिम. And we'll be mainly focused on today our back side of our legs, that is more like hammies, okay? But we will be having two exercises that is related to the quads for our legs. So, workout dekhte hain kaisa jata hai. Acha hi jayega. This is like a run through for one of my workouts that I do for legs for you guys. So you guys can also see what I'm doing. We'll be doing good. We'll be doing a good three compound sets, three good working sets, sorry. And we'll be keeping the rep range from 12 to 15 or maybe 12 to 8, depending on how much we overload ourselves. And we'll be completing over 4 to 5 exercises, and then we'll end the day off with 10 to 15 minutes cardio. Right, so this is the plan for today, and then at the end of the video I'll be talking about one major thing that I'm pursuing right now and more information about that. So yeah, stick to the end of the video. Bas ye dekh, ye tera shoulder width ho gaya, bas ek step aage bahar le liya, uske baad thoda sa point word out kar, to aise mat reh, aise thoda sa, theek hai. And then take your ass out, go down pura, and then come back up. There you go, slow. Let's do that. There you go. And up, perfect. इसके 15 कर. हम लोग यूजली वेट देते हैं फॉर आवर एक्सरसाइजेस, स्पेशली द स्क्वाट्स. इट कैन ईदर बी बैक बारबेल स्क्वाट्स और फ्रंट स्क्वाट्स, फ्रंट बारबेल स्क्वाट्स. बट इस बार हम लोग नहीं दे रहे. विल बी डूइंग क्लीन थ्री सेट्स ऑफ बॉडी वेटेड स्क्वाट्स टू एड टू गेट सम ब्लड फ्लोइंग इन टू आर लेग्स, राइट. This could act as a warm-up, but this is not considered warm-up क्योंकि warm-up के लिए usually either one set of no weight or very lightweight recommend किया जाता है. So that's why we'll consider this as a full-on exercise, and then we'll directly move on to good leg extensions, which acts as a isolation movement for the quads. So we'll go for that and do probably 4 good working sets there, right? And we'll keep compounding the weight. So yeah. Workout खत्म हो चुका है. The first workout. We'll be moving on to the second exercise, which is leg extensions. And yeah, doing good. Huh? नहीं, मेरे 3 हो गए. वीडियो देख ले. वीडियो में पहला सेट रिकॉर्डेड है, सेकंड सेट थर्ड सेट हो गया मेरा. थर्ड सेट नहीं हुआ मेरा, कर लूँगा थर्ड से. पर जो भी हो, जाएंगे हम लोग leg extensions, 4 working sets. पांच सौ चल चल चल, 3 और वेट ड्रॉप मत कर. कुछ तो हुआ. चल 12 ने पिछले 3 हुए. चल 4 5 पुल कर अपने आप को नीचे. 6 7 चल चल 8 4 और बस. 9 10 11 12 पे होल्ड करियो. 12 पे होल्ड.
अभी हम लोग हैमस्ट्रिंग्स का या हैमस्ट्रिंग्स का सेट कंप्लीट कर रहे हैं एंड वील टेकिंग स्लो एंड कंट्रोल्ड अराउंड 12 to 15 रेप्स खींचते हैं स्लो एंड कंट्रोल्ड. वेट इज मॉडरेट, ज़्यादा हैवी नहीं है. क्या वेट हैवी है तेरे लिए अभी? ओके कोई ना, पर लाइक या फेलियर तक खींचना आराम. फेलियर फेलियर तक खींचना, लास्ट सेट है. हाँ पर फेलियर तक खींचना. ओके कोई ना, दो प्लेट कम कर ले अगर एक रेप भी नहीं हो रहा. ओके एंड नेक्स्ट विल गो फॉर डम्बल आरडीएल्स. हम लोग एक एलिवेटेड सरफेस पे करेंगे तो नीचे स्ट्रेच ज़्यादा हो और हैमस्ट्रिंग्स पे ज़्यादा फोकस करें. सो या यप यप गुड गुड ग्रिप. थोड़ा आगे हो जाए स्टेपर के, थोड़ा सा आगे इन द एज. यप देयर यू गो. नाउ गो डाउन, यू विल फील योर हैमस्ट्रिंग्स एंड देन कम अप अ बिट टू योर नी लेवल एंड देन गो डाउन अगेन. फील दैट स्ट्रेच. देयर यू गो. अगर और स्ट्रेच फील करना है डंबल को और आगे लेके जाना. देयर यू गो. यप गुड. 12 रेप्स स्लो जा आराम से. फील दैट मसल बिल्ड हो रहा है. नाइस. बैक स्ट्रेट रख. ये तेरा बैक बेंड क्यों हो रहा है ऐसे? बैक देख तेरा, पता है ऐसे कर रहा तू. एट दिस पॉइंट तू यू आर डूइंग दिस. ये दिस हैज टू बी स्ट्रेट. योर शोल्डर विल बी बिहाइंड. ये आगे मत जाने दे इसको. हाँ लाइक यप इट विल बी देयर वी गो. बेटर. अब लेग्स को ज़्यादा ट्राई कर स्ट्रेट रखने. हाँ देयर यू गो. हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो. फील रिकॉर्ड्स में क्या हो रहा है? क्या पता नहीं, अजीब सा ही है. मेरे मसल फाइबर झेल रहे हैं ऐसे. चल आई मीन इट इज व्हाट इट इज. देयर यू गो. I need to get this in camera. Arant is currently struggling from doing stretching with the foam. Arant, what do you have to like say for this? Last time I was a little too crazy, so this time I will be very sane and like bowling. ओके तो हमने अपना वर्कआउट ख़त्म कर दिया लेग्स का एंड वी एंडेड ऑफ विथ सम स्ट्रेचिंग. और अब हम लोग विल गो बैक टू आर नॉर्मल रूटीन. आई शेयर यू गाइज द न्यूज़ सून लेटर इन द वीडियो कि हुआ क्या था. बट या आई थिंक आई मस्ट हैव गॉन थ्रू ऑल द एक्सरसाइजेज ड्यूरिंग द वीडियो. इफ नॉट देन आई प्रॉब्ली डू अ स्मॉल मिनी वॉइस ओवर और अ टेक्स्ट टू शोकेस व्हाट आई एक्चुअली डिड फॉर द लेग वर्कआउट. इस व्लॉग थोड़ा सा छोटा होने वाला है क्योंकि वी डिड नॉट टॉक एज मच, डिस्कस एज मच. बट या रिगार्डिंग द मेन डिसीशन दैट आई हैव टेकन राइट नाउ इन माई फील्ड इज दैट आई हैव स्टार्टेड अ फिटनेस प्रोग्राम इन द NASM Institute, where I'll be studying the CPT program for a personal training coach.
एंड आई हैव टू कम्प्लीट दैट अराउंड इन 5 to 6 months का ट्रेनिंग ड्यूरेशन होगा पीरियड. एंड इफ आई कम्प्लीट दैट आई विल बी सर्टिफाइड एज अ पर्सनल ट्रेनर, राइट? सो दिस इज अ मेजर डिसीजन इन माई कोर्स ऑफ टाइम वेयर I am studying currently as a VFX student in my college. I also like acting and stuff for movies, and now I'm getting into a fitness field as well. So there's a lot of stuff going on right now with me. So dekhte kaisa aata hai. Our studies will be starting. It has already started basically. Yesterday I enrolled for it, and from today or last night se we have to start prepping for the exam. And exam I think hoga kuch 120 questions ka for 120 minutes. मुझे बॉल नहीं चाहिए. बोलने तो दे, ठीक है, चुप रह ले. हाँ, तो ऐसे बस अबे यार, ठीक है. तो इट विल बी ऑफ 120 क्वेश्चंस फॉर 120 मिनट्स, एंड आई हैव टू गेट मोर देन 70% ओवरऑल स्कोर, एंड वंस आई गेट दैट आई विल बी सर्टिफाइड. I will also be getting a CPR AEG certificate as well, which is mandatory to get a personal training certificate. I think this was when COVID started. I don't know the particular details, but yeah. So yeah, we'll be starting that journey, and probably in a few months after the exam, after we pass the exam, we can be considered coaching one-on-one in fitness. Tab tak thoda sa apna bhi body bana lete, thoda thoda. I'm gonna call the manager. So yeah, this is the end of it. I'll see you guys in the next vlog. So yeah, keep supporting me.